पता है, हमने एक चीज़ नोटिस की है, पूड़ी और कचौड़ी का आटा हम गूंथते तो अलग अलग है, लेकिन स्पेशली गर्मियों में आधा पौना घंटा एक घंटा रखे रहे तो पता नहीं चलता कौन सा आटा पूड़ी का है कौन सा आटा कचौड़ी का है। दोनों एक जैसे हो जाते हैं गर्मी की वजह से, भाई आटा जो है लूज़ हो जाता है। विंटर में भी हो ही जाता है, काफ़ी देर अगर बाहर रखा रहे तो पता नहीं चलता कौन सा आटा कैसा है, जबकि पूड़ी का आटा थोड़ा टाइट मला जाता है, कचौड़ी का थोड़ा सा जो है लूज़ मलते हैं हम लोग, लेकिन जो है फिर भी एक जैसा हो जाता है। हमारे चेहरे पे थकान दिख रही है, होता है भाई कभी कभी, काम ज़्यादा होता है तो टायर्डनेस हो जाती है। तो पूड़ियाँ बेल दें, थोड़ी सी कचौड़ियाँ बेल दें और भाई सेक लेते हैं थोड़ा सा। हमारी किचन पे ध्यान मत दीजिएगा, हमारी खाने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब खाना पीना बनाओ तो किचन जो है अस्त व्यस्त हो ही जाती है, चार चीज़ें इधर उधर फैलती ही फैलती हैं, आप कितना भी कर लो। और वैसे भी किचन हमारी जो है थोड़ा पुरानी हो गई है, अब सब ठीक कराना है, तो बस किचन हमारा ऐसे ही है। बट आप पूड़ियों पे ध्यान दें ना कि हमारी किचन पे। ओके, तो कैसी तल रही है हमारी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ? चार चार पूड़ी कचौड़ी एक साथ जो है आसानी से तल जाती है, कढ़ाई में थोड़ा सा घी ज़्यादा हो और गहरी हो कढ़ाई, तो चार पांच पूड़ी एक बार में आसानी